उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव अमेरिका के अध्ययन प्रवास के बाद आज सुबह रायपुर पहुंचे। राजधानी वापसी पर स्वामी विवेकानंद विमानतल पर उनका भव्य और आत्मीय स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि अमेरिका के अपने अध्ययन यात्रा के दौरान उन्होंने 5 प्रमुख शहरों का भ्रमण कर सड़क निर्माण और सड़कों के रख रखाव की तकनीक, इनमें AI के उपयोग और पुल पुलियों के निर्माण को लेकर तकनीकी विशेषज्ञों से चर्चा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह के साथ अमेरिका के बड़े बड़े शहरों में निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली तकनीकों का अध्ययन किया। साव ने अमेरिका में निर्माण स्थलों और ग्रीनफील्ड रोड का भी अवलोकन किया। उन्होंने अपनी यात्रा को काफी लाभदायक बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की परिस्थितियों में जिन तकनीकों का इस्तेमाल हो सकता है उनको यहाँ जरूर लागू करेंगे। वहाँ की जो तकनीक छत्तीसगढ़ पर ठीक बैठेगी उसे अपनाएंगे। अध्ययन यात्रा अमेरिका की आयोजित की गई थी, 7 दिवस का ये ट्रेनिंग था और इन 7 दिवसों में पहला पड़ाव हमारा न्यूयॉर्क हुआ। न्यूयॉर्क में तकनीकी विशेषज्ञों के साथ पुल निर्माण की तकनीक, अधोसंरचना निर्माण की तकनीक, ग्रीन फील्ड का निर्माण, इन सब का अध्ययन किया कि किस प्रकार से न्यूयॉर्क में अधोसंरचना का विकास होता है, क्या तकनीक इस्तेमाल होते हैं और किस तरह से वहां पुल का निर्माण होता है, रिवर फ्रंट निर्माण का भी अध्ययन वहां पर किया। अधिकांश पुल वहां पर स्टील के बने हुए हैं। स्टील के ब्रिज निर्माण में जैसा उन्होंने विशेषज्ञों ने बताया कि समय कम लगता है और अधिक दिन तक चलने वाला होता है। जो चीज देखा है वहां छत्तीसगढ़ के परिस्थितियों में, उन तकनीकों का किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए कैसे वो उपयोगी हो सकता है, निश्चित रूप से यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप जिन चीजों को हम पाएंगे उसका इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ लागू करेंगे।